हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम दो पार्ट्स में कवर करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। माई नेम इज़ रोहित गर्चा, दिस इज़ अभिमन्यु IAS which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture and for complete course, watch till the end of the video, jahan pe main aapko detail mein bataunga ki what the master course of current affairs 2024 is all about. Right now, sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. Is pe aao pehle. पेज नंबर 5, टॉपिक 5। ये इस टॉपिक के अंदर पोटेंशियल है थोड़ा सा। एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, एक स्टडी जर्नल है बेसिकली, ये पब्लिश हुआ था, ट्रेंड्स इन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हाउएवर जो इसके अंदर रिसर्च है वो आपके काम आ सकती है। प्री मेंस दोनों में सवाल आ सकता है इसके ऊपर। देख ली पहली स्टेटमेंट, पढ़ ली। सो बेसिकली ओशन वार्मिंग को रिलेट किया हुआ है आपके बायोडाइवर्सिटी डिसरप्शन के साथ में, एज सिंपल एज दैट, राइट। एक बार ना इंपैक्ट ऑन मरीन लाइफ देखिए आप। ट्रॉपिकलाइजेशन, द फिनोमिना ऑफ ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज, ये नया टर्म है, ये आपको स्टैटिक बुक्स में नहीं मिलेगा और यूपीएससी पूछेगा इसको। मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, ट्रॉपिकलाइजेशन उल्टा है, सोचना मत, ये मत सोचना कि ट्रॉपिकलाइजेशन का मतलब कि ट्रॉपिक्स में आ रहे हैं, इट इज द ऑपोजिट ऑफ दैट, थोड़ा सा केयरफुल रहना बच्चे। यहीं पे ना साइड पे आप ट्रॉपिकलाइजेशन के और मतलब लिख लो कि इस स्टेटमेंट के और क्या क्या मतलब है। इट्स अ मरीन फिनोमिना, वेयर द ट्रॉपिकल स्पीशीज एक्सपैंड देयर रेंज while the temperate species retract। एक ये मतलब है स्टेटमेंट का। retract एक दो और इसके वो वाले पॉइंट, फैक्चुअल पॉइंट्स लिख लो आप साथ में ना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ट्रॉपिकल स्पीशीज का इसकी रेंज बढ़ रही है क्योंकि इक्वेटर के अराउंड ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया, इट इज गेटिंग वार्मर, तो वो अपना जो उनका नेचुरल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स। पोल्स वाले तो ऑलरेडी ठंडे में रहते हैं तो वो उनके लिए जाने के लिए जगह नहीं है। इनकी रेंज एक्सपैंड होगी, उनकी कम होगी, रिट्रैक्ट होगी, तो हैंस क्या होगा? क्या होगा इसमें नुकसान, क्या होगा? हाँ बोलो बच्चे, क्या कहते बोलो, कुछ कह रहे थे, पॉइंट बता रहे थे, बता रहे थे यार, बता दो क्या हो गया किसमें? हाँ सही बोल रहे हैं वो, हाँ बिल्कुल इम्बैलेंस है। इकोलॉजी जब बनी हुई है ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम में है, कोई भी शिफ्ट होगा तो मतलब इम्बैलेंस तो है ही है। परफेक्ट, ये लिख लीजिए आप, द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, न्यूट्रिशन का लोग कमोडिटी अपने
सप्लाई चेन, फूड वेब, सही बोल रहे हैं। और हो रहा है ऐसा, इसी के बाद में स्टडी आई है, ये अब का नहीं है, ये इसमें लिखा हुआ है बच्चे, इफ़ यू सी द फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर ओवर द पास्ट 20 इयर्स। राइट, जैसे आपका बाय द वे एक ना मैप बनता है इंडिया का, जो आपका नीचे पेनिनसुलर इंडिया है ना, राइट, तो उनका ना एक मैप बनता है यहां पे कि कौन से एरिया के अंदर कौन सी फिश पाई, जैसे बॉम्बे डक है, यहां पे वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, यहां पे हिल्सा फिश है, यहां पे सार्डिन फिशेज है ना, तो ये वाला मैप भी आप लोग थोड़ा देख के रखना कि कौन से रीजन में कौन सी फिश सबसे ज्यादा एबंडेंट है। कौन सी वाली? अच्छा, स्टेट फिश। अरे वाह वाह, ये तो याद है तुमको, नाइस। ऐसे नहीं करना यार, तुम लोग अपने उस पे रहो, दृढ़ निश्चय पे, गुड यार, नाइस। राइट, सबसे ज्यादा एबंडेंट फिश नहीं है, पर वो सबसे महंगी है, वो 25,000 किलो, वो फिश वो अलग किस्म की फिश है, वो उसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। अदरवाइज जो एबंडेंट है, जैसे यहाँ पे बॉम्बे डक है, विच इज़ नॉट अ डक, इट्स अ फिश, है ना, वी हैव सार्डीन, वी हैव सी काउ हेयर, मतलब वो खाते नहीं है उसको, प्रिजर्व करते हैं। राइट, उसके ऊपर इनके ऊपर सवाल आए हुए हैं बाय द वे, ये जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ ना, इनके ऊपर एज इट इज सवाल आता है इसके ऊपर। देर वॉज दिस, यहाँ पे हिल्सा फिश, वो भी कॉस्टली फिश है, एंड इट इज इन दैट रीजन, बंगाल के नीचे, बे ऑफ बंगाल के अपर वाले पार्ट में है। देन देर वॉज दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसकी वजह से वाटर अपस्ट्रीम चला गया था, एंड जो फिश पहले 1,000 रुपये किलो में सिर्फ कलकत्ता और यहाँ पे मेजर लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, असम में वो ऐसे मतलब सरेआम बिक रही थी फिर बिल्कुल सस्ते में, क्योंकि द ट्रॉपिकल साइक्लोन पुश्ड द फिशेस अपस्ट्रीम। राइट, तो इस टाइप की चीज़ें भी होती है, फिर उसके ऊपर सवाल आ गया था उसमें। तो ये बेसिक मैप्स हैं, ये वाले आप थोड़ा करके रखना कि कौन से रीजन में कौन सी मेजर फिश है, आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। और इसी चक्कर में जब क्लास में डिस्कशन हो रही होती है तो मेक मोस्ट ऑफ इट, हिम्मत करके बोल दिया करो, कोई पॉइंट दिमाग में आ रहा होता है, ऐसे ही खुलोगे आप, नहीं तो डरोगे वहाँ पे भी बोलने से। और डरने वाली कोई बात है नहीं, तुम्हारी अपनी कोई नॉलेज नहीं है, तुमने इकट्ठी की हुई बोलनी है, तो डोंट थिंक कि तुम्हें कोई गलत बोल देगा, तुम्हारा है ही क्या, तुम्हारी एकत्रित नॉलेज को गलत बोल देगा ज़्यादा से ज़्यादा कि तुमने गलत, हाँ बस, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आपके ओपिनियन को गलत बोलना, आपकी बात को गलत बोलना डज नॉट मीन आपको गलत बोला गया है, इन दो चीज़ों को अलग रखना, तुम्हारी दोस्तियाँ भी सुखी रहेंगी। आपकी कही हुई बात को गलत बोलना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलत बोल दिया, ठीक है, फ़र्क है दोनों में बहुत ज़्यादा। आइए बच्चे वापस, 20 इयर्स की रिसर्च है बच्चे इसमें, हमने लिख लिया द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस वॉज आइडेंटिफाइड, ये पूरा करा क्या करना है अभी, ठीक, आइडेंटिफाइड इन मेडिटेरेनियन सी, ये अगेन यूपीएससी का फेवरेट, मतलब सी के मामले में वाटर बॉडी से अगर मैक्सिमम क्वेश्चन कहीं से आए हैं, दैट इज द मेडिटेरेनियन सी, इसके अराउंड क्या क्लाइमेट है, क्या चीज उगती है, कौन सा अंगूर कहां से निकलता है, सब कुछ फेमस है वो जगह एक्चुअली अंगूरों के लिए, हेंस उस एरिया की वाइन बहुत फेमस है ना, पर्जियन वाइन और ये सब, हाँ, तो फॉर दैट रीजन पूछता है यूपीएससी, इसको अलग टाइप ही दे रखा है मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट को, इसके नाम पे क्लाइमेट है एक, तो देख लेना उसे भी, इसका सब पॉइंट बना लीजिए बच्चे, मेडिटेरेनियन सी इज कंसीडर्ड एज अ ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट, ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट को इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन, सवाल ऐसे आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट,
चार ऑप्शन, उसमें से मेडिटेरेनियन सी एक ऑप्शन होगा, ठीक है? सवाल ऐसे बनेगा, ठीक है बच्चे? ऊपर सेकंड पॉइंट में आइए, द मास मूवमेंट ऑफ मरीन लाइफ इज ड्रिवन बाय राइजिंग सी टेम्परेचर्स, मरीन हीट वेव्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है? ऑब्वियस रीजंस, ऑब्जर्व्ड इन एरियाज विद स्ट्रॉन्ग करेंट्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर, लीडिंग टू कॉन्सिक्वेंसिस फॉर इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी एंड पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। जो वो बात कर रहे थे अभी, जो फूड चेन और इसकी फूड डिसरप्शन की बात हो रही है ना, वो आपकी फिर ग्लोबल इकोनॉमी को डिसरप्ट करेगा। ये मरीन फूड एक्सट्रैक्ट करने में नंबर वन कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की? चाइना। कितना परसेंट शेयर है उसका? 70%। हाँ, लगभग 66%। लिख सकते हो, अगर 70% राउंड ऑफ लिखना तो APPROX. अप्रॉक्स लिख देना साथ में। अगेन अ फन फैक्ट कि मतलब अगर आप जैसे आंसर्स के अंदर ऐसे लिखा होता है ना, अप्रॉक्स समझ में आता है कि बंदे ने कॉपी नहीं किया कहीं से। आई डू नॉट वॉन्ट टू नेम, मेरे को नाम क्योंकि याद है, मेरे को गुस्सा भी आया था उस पर। मेरे को चैट GPT के आंसर्स लिख के देने बंद कर दो। क्लियर कट पता लगता है, ठीक है? जो मेरी बात सुन रहा है ये, मेरे पास दोबारा आया मैं फाड़ दूंगा पेपर भी। मत करना, मेरे को नहीं चाहिए। ChatGPT से क्यों आंसर लिख दोगे यार मेरे को, ठीक है? वो सब नहीं करना। आइए बच्चे, बात कहाँ से शुरू हुई थी ये वैसे, क्यों बोला मैंने ये? अच्छा ठीक है, माय बैड। आओ बच्चे आगे देखो, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स। अगेन अगर आपकी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, फूड इंपैक्ट हो गया डायरेक्टली, वो उसका क्या मतलब है? सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट वेरी बाय रीजन, इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल फिशरीज, कार्बन स्टोरेज एंड टूरिज्म, सब कुछ आपका इफेक्ट होगा। टूरिज्म हमने पहले पॉइंट बोला था ना बच्चे, समझ में आ रहा है लिंकेज थोड़ी सी क्या हो रही है? हाँ, जो टूरिज्म में पहले बात कर रहा था कि अगर कोई चीज़ कहीं की फेमस है, वही जैसे हिल्सा फिश वहीं पे, राइट? आप वहाँ जाके वहीं की फिश प्रिपेयर करोगे। एक सर्टेन डिशेज आपके साउथ में भी मिलती है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रैब वहीं पे है, राइट? वो नहीं होगा तो टूरिज्म जीरो हो गया, है ना? एंड आई पर्सनली नो पीपल जिनकी ये मोटिवेशन रहती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जाके ये चीज़ खानी है, राइट? सो अगेन हैंस द टूरिज्म। आइए बच्चे आगे देखते हैं, जब हम इम्पैक्ट ऑफ मरीन लाइफ की बात कर रहे हैं, उसमें लास्ट में देखिए आप, स्पीशीज डिस्पर्सल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ऑल्टर द फिजिकल फैक्टर्स, बच्चे यहां पे आप साइड पे टॉपिक डाल लो एक, ओशन वार्मिंग। ये तो ट्रॉपिकलाइजेशन के चक्कर में हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया, पर अदरवाइज ब्रॉड टॉपिक इसका वही है, ट्रॉपिकलाइजेशन, ओशन वार्मिंग। व्हाट इज द रीजन फॉर ओशन वार्मिंग? ठीक है, मतलब तो बहुत ब्रॉड हो गया, तो ओशन गर्मी क्यों हो रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो? ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका एटमॉस्फेयर में होता है, ओशंस में क्या होता है ना? वाटर की स्पेसिफिक हीट थोड़ी हाई होती है, तो इट कैन रिटेन द हीट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, वो सर्कुलेशन ऑल्टर हो रही है बच्चे, इसमें वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिख लो रीजन, लिख लो। एक तो इन्होंने सही बोला, ग्रीन, अगर आपका एटमॉस्फेयर हीटअप हो गया, हेंस आपका सब कुछ हीटअप होगा, है ना? एक तो सीधा यही लिख लो, नंबर वन रीजन लिख रहे हैं, तो हम रीजन में लिखेंगे ग्रीन हाउस गैस इमिशन, उसका इफेक्ट है आपका ग्लोबल वार्म, आपका क्या था, क्या बोला आपने? ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसका इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, कॉज उसका इमिशन है, है ना? तो जब हम रीजन की बात करते हैं, रीजन इज दिस वन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ऐसे लिख लो। आगे तो नहीं लिखने की जरूरत ना, वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन में कि कौन सी गैसेस हैं, है ना? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, वार्मिंग इफेक्ट ऑन बोथ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, ओशंस आर दी, हाँ सिंक है, अब वो एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देते हैं, लेकिन इसका ओशन वार्मिंग के ऊपर इफेक्ट होता है, व्हेन एक्सेस कार्बन इज, इसको सिक्वेंसिंग बोलते हैं ना, जब एक्सेस कार्बन वहाँ पे एसिमिलेट हो रही है, दैट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ ओशंस, तो कार्बन को मिटिगेट करना मतलब थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, ओशन एब्जॉर्ब्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एक्सेस CO2 कॉमा रिजल्टिंग इन वार्मिंग ऑफ द ओशन इटसेल्फ, ठीक है, देर इज अ टर्म इन फिजिक्स जिसमें ना हम दो हिस्सों में चीज को बांट देते हैं कि क्रिस्टल है या फ्लूइड है, राइट, व्हेन वी से समथिंग इज फ्लूइड दैट मींस इट कैन फ्लो, सो योर एयर एंड योर लिक्विड आर बोथ फ्लूइड्स, है ना, तो कार्बन का फ्लूइड्स के ऊपर इफेक्ट होता है कि उसको वो वार्मिंग की तरफ लेके जाती है, एंड हेंस ओशंस आर लिक्विड एंड फ्लूइड, समथिंग दैट कैन फ्लो, राइट. लास्ट इज सोलर रेडिएशन, ठीक है जी, डायरेक्ट सोलर एब्जॉर्प्शन जो हो रही है, और ये हमने पॉइंट यहाँ पे रीजन में इसलिए डाला है बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारा ये भी ऑल्टर हो रहा है, राइट, जब हम क्लाइमेट ऑल्टर के होने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका क्लाउड कवर, ये सब भी ऑल्टर होगा, नेचुरल साइकिल्स ऑल्टर होंगे, है ना, उस सेंस में ये बात जा रही है. इम्पैक्ट, लेट मी रिमाइंड यू कि हम ओशन वार्मिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओशन वार्मिंग के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, चार बता दो मेरे को बस, चलते हैं फिर आगे. ओशन वार्मिंग होते क्या इम्पैक्ट है, कौन सी डिजीज, उन्होंने इतना नहीं बढ़ा, वैसे वाला नहीं, उस एंगल में मत जाओ, ज्यादा डीप जा रहे हो, ओशन वार्मिंग है क्या उसका कारण होगा, पढ़े हुए हैं सारे आपने, लिखो, नंबर वन कोरल ब्लीचिंग, जो वो जू एंथले होते हैं ना उसमें, हाँ वो भाग जाता है, उसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, और ओशन वार्मिंग हो रही है तो यूट्रोफिकेशन नहीं बचे, कम मतलब फार फेच्ड है, बेसिक पे रहो, इतना आगे मत जाओ, तो हम थोड़ी हाई लेवल डिस्कशन पहले कर चुके हैं, एक या दो क्वेश्चन आएंगे 20 में से जो आपको इतना हाई लेवल सोचना पड़ेगा, या हद 5, बाकी सारे बेसिक ही होंगे, सिंपल, जिसमें हमने उड़ते जाना है ताकि आप बाकी के ऊपर सोच सको. सी लेवल राइज, एक उनके वाला पॉइंट, डिसरप्शन ऑफ मरीन फूड वेब्स, और हाँ वैसे तो वो मतलब
हाँ उसमें डाल दो, या वैसे इसमें भी है डिसरप्शन ऑफ मरीन फूड वेब्स में भी आएगा। और क्या चल रहा है बता दो। बिल्कुल, मतलब हाँ लिख लो इसमें। वैसे तो वो ट्रॉपिकलाइजेशन के कारण, वो ट्रॉपिकलाइजेशन क्यों लिख देते? एक तो वो उसमें आ जाएगा ना, ट्रॉपिकलाइजेशन के अंदर भी है ऑल्टरेशन ऑफ ओशन करंट्स। वैसे तो वो इसमें आ गया है पॉइंट, वो जो हम जबरदस्ती लिख रहे हैं। डिसरप्शन ऑफ मरीन फूड वेब्स, दिस विल हैव कास्केडिंग इफेक्ट ऑन योर मरीन फूड और इस सब के ऊपर। जो ये वाला पॉइंट लिखा है ना हमने, उसमें लिख सकते हो आप दैट दिस विल हैव कास्केडिंग इफेक्ट ऑन फिशरीज एंड मरीन फूड वेब्स, जो हम बात कर रहे हैं ना उसमें। सी लेवल राइज, डिसरप्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक साइकल्स, हाँ अभी ये पिछले साल ही तो देख के हटे हो तुम, हिमाचल में जाने से डर लग रहा है अब कि मॉनसून सीजन के आसपास। क्या है ये वही था। हाँ बिल्कुल, हाँ बच्चे अभी अभी हम वो नहीं कर रहे, अभी हम ट्रॉपिकलाइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इसकी ओशन वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ओवरऑल गर्म जिसकी वजह से वो हो रहा है ना, तो इसकी वजह से और क्या क्या हो रहा है। ये तो है ही है, एलियन स्पीशीज आएंगी और ट्रॉपिकल स्पीशीज ऊपर जाएंगी, तो मतलब पोल्स पे जो लाइफ है ना, जब ठंड में लाइफ होती है इट इज़ स्लोअर, मेटाबॉलिज्म इज स्लोअर है ना, और जब आप फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले, अरे यार ये अब मैं रिकॉर्ड पे बोल नहीं सकता, लेकिन आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो किसी शांत हिमाचल की लोकेशन के ऊपर आपको हुड़दंग मचाते हुए लोग मिलेंगे वो हिमाचल के नहीं होंगे, वहाँ के लोग थोड़े शांत और स्लो चलते हैं, है ना। हाँ तो मेरा यही सजेशन है कि अपनी गाड़ी HR नंबर से दूर पार्क करना। हाई एनर्जी है ना, तो उस लेवल में डिसरप्शन होगी। बात सेम ही रहती है, हर जगह अप्लाई होती है, बात नहीं बदलती है, बात है। आप बात पे ऑफेंड हो सकते हैं, बात को ठुकरा नहीं सकते। एक आखिरी रह गया, वो शायद किसी के दिमाग में नहीं आ रहा, ओशन एसिडिफिकेशन। बच्चे हम ना उसको पोल्यूशन नापने के लिए करते हैं, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहे हो आप, उसी की बात कर रहे हो ना बच्चे। हाँ तो वो एक मेजर है आपका पोल्यूशन नापने के लिए, राइट, कि उसमें तो आप समझ रहे हो कि व्हेन आई से कि ओशन वार्म हो रहे हैं, और वो बीओडी इज मेनली आपका ऑर्गेनिक पोल्यूशन नापने के लिए यूज होता है, राइट, तो रिलेट नहीं हो रहा है ढंग से। हाँ इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया, शायद डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होता है, या फॉर दैट मैटर कोई भी गैस पानी में ज़्यादा डिजॉल्व होती है कम टेम्परेचर के ऊपर। इफेक्ट बोल रहे हो आप, नहीं ओशन बाद ही ओशन वार्मिंग की हो रही है, अगर आपकी वाटर बॉडी वार्म हो गई है ऑब्वियसली आपका डीओ कम होगा, साइंटिफिक फॉर्मूला है इसका, अगर मुझे याद होता मैं लिख भी देता भुकरी मारने के लिए, पर मुझे याद नहीं आ रहा, पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट, जिसमें हम टेम्परेचर को और डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी डिजॉल्व हो रही है, मतलब दो तीन फैक्टर्स होते हैं पानी में डिजॉल्व होने के, टेम्परेचर इज़ वन ऑफ देम, राइट, और दूसरा होता है टर्बुलेंस, हैंस आपका हर की पौड़ी इतनी फेमस क्यों है गंगा,
बिकॉज दैट इज़ द पॉइंट. हरिद्वार सुना होगा ना, हर की पौड़ी. तो उससे पहले गंगा बहुत टर्बुलेंट फ्लो करती है, बहुत ज़्यादा. तो जितनी ऑक्सीजन हो सकती है वो उसमें डिजॉल्व होती रहती है. हर की पौड़ी इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे वो शांत बहना शुरू करती है. इसके बाद में ऑक्सीजन कंटेंट नीचे ही जाएगा. हर की पौड़ी पे इज़ द मैक्सिमम ऑक्सीजन कंटेंट पानी का जितना हो सकता है. हैंस कभी कोई होगा, मर रहा होगा पुराना, उसने हर की पौड़ी का पानी पिला दिया, उसको 2-15 मिनट के लिए फिर सांस आ गई होगी. जस्ट एक वो, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है, राइट. और जैसे ही वार्म होता रहता है तो उसमें गैसेस कंटेंट कम हो जाता है. ठंडी कोक और गर्म कोक में जो फ़र्क है, उसमें गैस कंटेंट कम हो जाता है ना जब गर्म होती है. तो दैट इज़ द रीज़न. सीधा ओशन एसिडिफिकेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है ना, इट एसिडिफाइज योर ओशन, राइट. पीएच लेवल कम हो जाता है, गिरता है. एंड एवरी स्पीशीज इज सेंसिटिव टू पीएच, राइट. और उनके पास तो कॉस्मेटिक्स भी नहीं है पीएच मेंटेन करने के लिए, ठीक है जी. और इनका भी पॉइंट लिख लो, लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, अच्छा पॉइंट है. ठीक है, चले आगे. इकोनॉमी का करना है करंट अफेयर या फिर एनवायरनमेंट का ही कर ले एक और. इकोनॉमी एनवायरनमेंट वाले कितने हाथ खड़ा कर लो, 2-3. इकोनॉमी वाले, ओए आज पता लगा नुकसान डेमोक्रेसी का. मेरे को भी कुछ खास पसंद नहीं है डेमोक्रेसी. ये होता है इसमें, नो मैटर व्हाट द मेजोरिटी इज सेइंग, वी हैव टू डू व्हाट द मेजोरिटी इज सेइंग. आ जाओ जी, टॉपिक नंबर 4. श्रीलंका अब क्राइसिस से धीरे धीरे बाहर आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आप ध्यान रखिए कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, उसके पास में अपने रिसोर्सेज कम है, राइट. और अपने रिसोर्सेज कम है, दैट मींस कि उसको रिसोर्सेज कहां से मंगवाने पड़ेंगे, बाहर से मंगवाने पड़ेंगे. पेमेंट किस करेंसी में करनी पड़ेगी, डॉलर्स की, या फिर जैसे इंडिया है तो बायलेटरल हो रखा है, अपनी करेंसी में नहीं कर सकते, वो बाहर की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट. इसके लिए बाहर की करेंसी के लिए वो सप्लाई अगर कुछ नहीं करेंगे, इकोनॉमी पॉलिसी प्रूडेंट नहीं होगी, दैट मीन्स उनको क्या लेना पड़ेगा, लोन, है ना. और अगर लोन पे डिफॉल्ट हो गया, पैसा खत्म हो गया, दैट मीन्स लोन पे डिफॉल्ट हो गया मतलब पैसा खत्म हो गया, राइट. तो क्या होगा उनकी इकोनॉमी के अंदर, जो चीज़ें वो बाहर से मंगवा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल दवाई, पेट्रोल, और श्रीलंका में यही हुआ एग्जैक्टली अभी, राइट. लास्ट टाइम भी आपने देखा था, ये है उसका क्रक्स कि उन्होंने नॉन प्रूडेंट लोन्स लिए थे. और नॉन प्रूडेंट लोन से मेरा मतलब है, इफ यू कम टू पेज नंबर 4, चाइना को काउंटर कर, ये पॉइंट मतलब इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, बट जानबूझ के दिया गया आपको. श्रीलंकाज डेट, ऊपर से थर्ड पॉइंट देखिए बच्चे, श्रीलंकाज डेट टू चाइना इज 52%. जिन्होंने बायलेटरल डेट्स लिए हैं ना श्रीलंका ने इधर उधर से, मतलब सिर्फ IMF के लोन को हम बायलेटरल नहीं कहेंगे, इसके अलावा जिस भी कंट्री से उन्होंने लोन लिया है उसको बायलेटरल कहेंगे, इंक्लूडिंग द पेरिस क्लब. पेरिस क्लब एक ग्रुपिंग है इकोनॉमीज की ना, जो कि ऐसे लोन्स वोन्स ही देते हैं, ज्यादा सवाल ना किए, ठीक है बच्चे. तो ये है जी आपकी श्रीलंका की प्रॉब्लम मेन, कि उनकी इकोनॉमी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, बाहर से मांग रही थी, लोन चाइना से ले लिया, उस पर हो गया डिफॉल्ट, एंड हैंस उनकी फाइनली इकोनॉमी ने किया सफर, राइट. ये है उसका मुद्दा. तो अभी रिपोर्ट में क्या आया कि इंडिया ने भी रिस्ट्रक्चर कर दिया उनका डेट. रिस्ट्रक्चर समझते हो,
जब आप लोन लेते हो ना, आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है कि आपको इतने सालों के लिए पर मंथ इतना पैसा देना पड़ेगा, है ना। ये एक स्ट्रक्चर दे दिया। जब डिफॉल्ट कर देते हो तो वो उसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं कि अच्छा चल ये नहीं दिया जा रहा, तो एक काम करो, ये 15 साल का लोन था, इसको ना 25 में दे देना अब, तो आपकी और यहाँ से देना शुरू कर देना। मतलब एनी स्ट्रक्चर ऑल्टरेशन उसको लोन रीस्ट्रक्चर बोलते हैं। इट कुड बी एज सिंपल एज कि आपका इंटरेस्ट माफ़ कर दिया, या आपकी ड्यू डेट्स बढ़ा दी, या लोन ही माफ़ कर दिया, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें, तो आपका लोन रीस्ट्रक्चर हो गया। आइए बच्चे देखते हैं इसमें श्रीलंका का डेट सिनेरियो, ये ताकि आपको बार बार कहीं से ना पढ़ना पड़े, आपका आईआर में काम आएगा बच्चे, इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएगा। वहां पे आप हर एक कंट्री को इंडिविजुअली पढ़ते हो ना, तो सब कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से कवर कर लो, बहुत है। इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नेंस, राइट, ये एथिक्स, ये कुछ तीन चार टॉपिक्स हैं, तीन चार सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आप ज्यादा किताबें नहीं पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, कंफ्यूजन नहीं होती है। श्रीलंका हैज फॉरेन डेट्स ऑफ अबाउट 46 यूएस डॉलर बिलियंस, है ना, चाइनीज लैंडर्स विद जापान इंडिया एंड कमर्शियल बॉन्ड होल्डर्स, है ना, इनके ये सारे क्रेडिटर्स हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर इनकी परसेंटेज बता दी गई है कि इतने परसेंट किसको दिया हुआ है, ये भी अपने आप में एक सवाल बनेगा इन केस अगर आता है यूपीएससी में तो। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चे, श्रीलंका इन मई 2022 बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द एशिया पैसिफिक टू डिफॉल्ट। लास्ट पॉइंट देखिए, इससे हुआ क्या, क्यों श्रीलंका क्राइसिस में आया था, दैट इज द लास्ट रीजन, शार्प ड्रॉप इन फॉरेन करेंसी लेड टू शॉर्टेजेस ऑफ इंपोर्टेड फूड, है ना, आइलैंड नेशन है, जो खुद ग्रो कर सकता है वही कर सकता है, बाकी इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्यूल एंड मेडिसिन, एंड हेंस डिसरप्टिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स। जैसे चाइना लोन्स बांटता फिर रहा है इन दिनों, इससे पहले पेरिस क्लब बांटता था। लेट अस राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेरिस क्लब, पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं बोलूंगा एचपीएस का मैं कुछ भी उसका कुछ नहीं पता। लिखिए बच्चे, इट इज अ ग्रुप ऑफ मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर्स, वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज, ऐसे लिखिए, प्राइवेट नहीं है ये, कंट्रीज की ग्रुपिंग है ये। आरती थोड़ी देर, वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज, कॉमा, स्टार्टेड फ्रॉम अ 1956 स्टार्टिंग फ्रॉम 1956 बस ग्रुपिंग बढ़ती रही धीरे धीरे। तो बेसिकली हुआ यह था कि अर्जेंटीना ने पेरिस में मीटिंग करी थी उन कंट्रीज के साथ में जो उनको पैसा दे रही थी, राइट, तो जो कंट्रीज पैसा दे रही थी उनकी ग्रुपिंग वहां से शुरू हो गई थी, इसको पेरिस क्लब बोला जाता है, वो है ये मुद्दा। द मेंबर्स आर, ये देखो थोड़ा ट्रिकी है, इसके 22 मेंबर्स हैं, शॉर्ट शॉर्ट में करके लिख लेना आप। अब मुझे नहीं पता कि इस पे सवाल कैसे बनेगा, 22 मेंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर इज नॉट अ मेंबर, वो सब है। आप लोग जब 22 मेंबर्स लिख रहे होंगे, बस आप ये ध्यान रखना कि आपको कौन से इसमें लग रहे थे होने चाहिए वो नहीं है, और कौन से आपको लग रहा था नहीं होने चाहिए वो हैं, बस ये दो चीजें देख लेना आप, इसके अलावा। एंड लेट मी गिव यू
द लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना? ठीक है, कोशिश करूंगा अल्फाबेटिकल में हो जाए, यहाँ पे है नहीं क्योंकि मेरे पास. ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जहां पे अल्फाबेट ऑर्डर टूटेगा मेरे को बता देना, ठीक है, ऑल्टर कर देंगे. बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क. सी सेट का क्वेश्चन नहीं बन गया ये, टाइम में भी सॉल्व करना है और सॉल्व भी करना है. फिनलैंड, फ्रांस, ठीक जा रहा है अभी तक. जर्मनी, आयरलैंड, जी इज़राइल, जो यूनिक लग रही है कंट्रीज उनको पहले ही मार्क कर लेना जो आपको लग रहा था नहीं होनी चाहिए. जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, रशिया, यार एक कंट्री मिस होगी, कोर जे जी एच आई जे के नहीं, मिस क्यों हुई? साउथ कोरिया, दूसरे वाला तो नहीं होगा ऑब्वियसली, उसको तो खुद चाहिए. हाँ, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, डब्ल्यू, स्विट्जरलैंड, द यूनाइटेड किंगडम, यही नाम है उसका, पर वैसे भी फिट हो रहा है वो. यूके एंड यूएस, ठीक है, कितने हो गए? 22 हो गए, ठीक, 20 हुई है. आयरलैंड लिख लिया, फिनलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, आयरलैंड, इज़राइल, जापान, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएस, नॉर्वे, सारे हो गए? वो हैं मेंबर्स, कंफर्म करोगे एक बार? करना पड़ेगा कंफर्म एक बार. आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए भैया, जब तक ऑल मेंबर्स ऑफ पेरिस क्लब are also the members of OECD. That he is right. तो fit करो इसको, Brazil को, ब्राज़ील एंड इटली.
ठीक है जी। तो अगर सवाल इसके ऊपर बनेगा, इस पे चांसेस कम है कि कंट्रीज के ऊपर पूछ लें, बट अगर हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। ये याद रखना कि ये पेरिस क्लब के जो मेंबर्स हैं, दे ऑल आर दी मेंबर्स ऑफ ओईसीडी। ओईसीडी समझते हो, जिसको नहीं पता लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मतलब टिल डेट ये लोग 614 बिलियन डॉलर्स का लोन दे चुके हैं, 478 एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। इनके इनके रोल मतलब इनके लोन के बाद में आईएमएफ की जो कंडीशंस है वो भी मीट हो जाती हैं। तो ये जिनको भी लोन देते हैं तो उनको बाद में आईएमएफ से भी थोड़ी सी रियायत मिल जाती है, जिनकी जैसे बीओपी क्राइसिस जो होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जो भी कोई जूझ रहा होता है, तो दीज काइंड ऑफ लोन्स दे हेल्प। ठीक है बच्चे, आइए वापस डॉक्यूमेंट में। यहां पे इंडिया एंड श्रीलंका की डील की बात हो रही है इसमें आपस में। बाय द वे, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने श्रीलंका को डेट रिस्ट्रक्चर की बात करी थी, ऑफर किया था। इट वाज द फर्स्ट कंट्री, राइट। जब इंडिया श्रीलंका की रिलेशन की आप बात करोगे, दिस इज द वन जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कनेक्टिविटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्या इंडिया कैसे कनेक्टिविटी, कौन सी कनेक्टिविटी की बात हो रही है इधर? इट इज पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। कौन से वाला? अच्छा हाँ, वैसे वाली कनेक्टिविटी। मतलब ये होना वैसे इनएविटेबल भी था। इफ़ यू सी द लास्ट वन, एडॉप्शन ऑफ इंडियाज़ यूपीआई, राइट। तो जब आप इकोनॉमी कनेक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से इकोनॉमी कर रहे हो कि तो पीपल टू पीपल कनेक्ट होना ही है। आप अगर आप श्रीलंका जाते हो घूमने के लिए तो आपको ज़्यादा कुछ यू नो एक्सचेंज वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जाओ और सीधा डायरेक्टली खर्चा करो, है ना। तो बढ़ता है इससे टूरिज्म और कनेक्शन बढ़ता है। तो इंडिया ने ये काम किया उनके लिए, कहने का मतलब। तो हमने ऐसे बोलना है, ठीक है बच्चे, चलें आगे। अब छोटे छोटे टॉपिक रह गए सारे। बच्चे टॉपिक नंबर 6, डेक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। दिस इज द डेक्लेरेशन जिसको इंडिया हैज रिफ्यूज्ड टू साइन। और इंडिया ने क्या कहा है, आप मैंने उसको बुलेट पॉइंट में दे दिया आपको साथ ही। इंडिया स्टेटेड दैट ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन फॉर कूलिंग इन हेल्थ सेक्टर कुड हिंडर इट्स एबिलिटी टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर मेडिकल सर्विसेज, पर्टिकुलरली इन रिमोट एंड अंडरसर्व्ड एरिया, राइट। तो वो कूलिंग को एफिशिएंट बनाने की बात कर रहे हैं। और हाउएवर इसके सॉल्यूशंस भी दिए। एक काम करो बच्चे, टॉपिक नंबर 7 पे आओ पहले। तो सीओपी के अंदर ही एक और कूल कोएलिशन वो साइन हुई है, राइट। अगेन जो जिन्होंने प्लेज किया कि हम जो टेंजिबल टारगेट्स देके प्लेज होता है ना कि हम इतने में करेंगे कम इतने टाइम के बाद में, राइट। तो कूल कोएलिशन वहां पे हुई है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूएनईपी ने पहले प्रपोज सॉल्यूशन क्या दिया है कि अगर कूलिंग आप उस कूलिंग को एफिशिएंट करना चाह रहे हो, कूलिंग को शिफ्ट करना चाह रहे हो। साथ ही यूएनईपी ने एक रिपोर्ट निकाल दी, वहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ उसके अराउंड ही यूएनईपी ने रिपोर्ट निकाल दी। ऐसा ही होता है कि जो भी मुद्दा चर्चा में होता है उसके ऊपर रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं, उसके सपोर्ट के अंदर या उसके अगेंस्ट जैसे भी है। तो आपको आने वाले टाइम में और रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी इसके ऊपर। ऑल्सो यहाँ पे 2-3 चीज़ें कवर करनी है हमने, तो आप लोग मेंटल स्ट्रक्चर अपने आप बना लो, आई विल बी जस्ट गिविंग यू आउट। कूलिंग नीड्स का इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज कूलिंग नीड्स, है ना। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन
जो है जो कंजम्पशन है वो कूलिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है वो। इसके अलावा यूएनईपी ने ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या दिया है, वो इंडिया का अपना एक आईसीएपी है, इंडिया एक्सक्यूज मी इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, हमारे अपने कुछ टारगेट्स हैं कूलिंग को लेके, तभी हमने साइन भी नहीं किया ये, ठीक है वो चीज। प्लस ये डिक्लेरेशन क्या है, इसमें भी कूलिंग का इफेक्ट है ना वो, और इंडिया ने ये साइन क्यों नहीं करी, हमारा क्या ग्राउंड्स है हमारे साइन ना करने के लिए, राइट। ये सारी चीजें हम आने वाले 15 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर रखना अपने आप, ये दोनों टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है बच्चे। आइए बच्चे टॉपिक नंबर 7 पे आइए पहले। यहां पे ना साइड पे आप या तो पहले वाले टॉपिक के साइड पे या नेक्स्ट वाले टॉपिक इसी वाले टॉपिक के साइड पे कूलिंग सेक्टर डाल के, आप पहले कूलिंग सेक्टर समझ लेते हैं, वहां से शुरू करते हैं, है ना, मेक्स मोर सेंस। कूलिंग सेक्टर समझते हैं पहले, इट इज हाईली एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर, कॉमा अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ ऑल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तुम्हारी अगली क्लास कितने बजे है? अच्छा, वो आज थोड़ा टाइम शिफ्ट हुआ है ना, तो मेरी खुद की क्लॉक इधर उधर हो रखी है, समझ में नहीं आ रहा है कि एक घंटे में छोड़ना है, दो घंटे में, तुम्हें मतलब अगले 25-30 मिनट में छोड़ना है ना, ठीक है नोटेड। आ जाओ इसको समझते हैं, अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ ऑल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट समझ में आई टॉपिक की, कि क्यों ये दो टॉपिक्स हम एक साथ कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिए, मोस्ट कूलिंग टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व्ड, ये ऐसे लिखो, मोस्ट कूलिंग टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व द यूज ऑफ द यूज ऑफ पोटेंट जीएचजीज, ग्रीन हाउस गैसेस, यूज ऑफ पोटेंट जीएचजीज लाइक एचएफसी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। खिचड़ी वाले टॉपिक आई है, इसमें हॉच इसमें बहुत कुछ चलने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। अब जैसी हमारी ये बात हुई है, मोस्ट कूलिंग टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व द यूज ऑफ एचएफसी को फेज आउट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा जनरली सीएफसीज और उसको कम करने के लिए, पर्टिकुलरली एचएफसीज को फेज आउट करने के लिए कौन सा है, उसमें टारगेट है आपका टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ एचएफसीज बाय 80-85% बाय 2047, ये उसका टारगेट है उस समिट का। किगाली समिट में है ये, है ना, तो ये वो रिलेट होगा। बाय द वे ये इस बार जो सीओपी हुई है इसके अंदर नए टारगेट्स बहुत कम आए हैं, सीओपी 28 हुई है ना, अभी 12 तारीख को खत्म हुई है, कहाँ हुई है, तो ये ध्यान रखना इस चीज को, ये छोटे मोटे पेपरों में आएगा, ठीक है। तो उसमें नया कुछ नहीं आया, तो जो दो तीन प्रोटोकॉल्स हाईलाइट हुए दैट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली समिट, है ना, इनके टारगेट्स को रीट्रेट किया गया है, और आपका पेरिस एग्रीमेंट है ना, वो 2 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो टारगेट है उन्हीं को रीट्रेट किया हुआ है। तो आपके लिए ये सारी चीजें दोबारा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, ढंग से करना इनको, खासकर ये दो तीन प्रोटोकॉल्स को, सब कुछ कौन सा लीगली बाइंडिंग है, कौन सा नहीं है, कौन सा किसके अंडर है। अब ये क्योंकि सीओपी 28 और किगाली मैंने मेंशन कर दिया, तो एक हिंट मिल गया होगा आपको, ठीक है बच्चे। आगे लिखो, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कूलिंग इक्विपमेंट
विल ट्रिपल ग्लोबली, विल ट्रिपल ग्लोबली बाय 2050 और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डबल हो जाएगी। इसका सब पॉइंट बना लो, दिस इज इक्वल टू मोर देन 10%, इट इज इक्वल टू मोर देन 10% ऑफ ग्लोबल प्रोजेक्टेड एमिशंस ऑफ 2050, प्रोजेक्टेड एमिशंस ऑफ 2050। ये तो आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, देयर इज अ विशियस साइकिल ऑफ कूलिंग, समझ रहे हो? विशियस साइकिल ऑफ कूलिंग कैसे, कि बिकॉज यू नीड कूलिंग बिकॉज टेम्परेचर्स आर गेटिंग वार्मर, है ना, और आपको मेंटेन करना है, दैट्स व्हाई वी हैव एसीज एंड ऑल, लेकिन इनकी वजह से टेम्परेचर इज गेटिंग मोर वार्म, दैट मींस यू नीड मोर एसीज, है ना। तो ये कूलिंग के ऊपर जो काम शुरू हुआ है इस साल, और ये जितने कोएलिशंस हो रही हैं, कूल क्लब खुलेगा, है ना, कीपिंग इट चिल ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बिकॉज ये इसको सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है जी। चलिए ये हो गया, अब आते हैं वापस टॉपिक नंबर 7 पे, नहीं 7 पे आओ ना यार, ये तो जनरल हो गया जो भी हमने लिखा है ना, कूलिंग सेक्टर, मैंने आपको जनरल लिखवा दिया कि कूलिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, 2050 तक ये ट्रिपल हो जाएंगे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डबल हो जाएगी, 10% एमिशन इसी से आ रहा होगा, राइट। तो ये है कूलिंग सेक्टर हमारा करंटली, और ये प्रोजेक्शंस, राइट, ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, अब सोल्यूशन क्या निकाला है यूएनईपी ने वो देख लो, यूएनईपी ने रिपोर्ट निकाली थी रिसेंटली, जिस रिपोर्ट का टाइटल था कीपिंग इट चिल, प्रपोज्ड एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल कूलिंग। ये आप ऐसे खुद भी सोच सकते थे, पर आई थॉट कि दे ही देते। नंबर वन, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, पैसिव कूलिंग मेजर्स लाइक शेडिंग, वेंटिलेशन, इंसुलेशन, ग्रीन रूफ्स, रिफ्लेक्टिव सर्विसेज एंड रीइंट्रोड्यूसिंग नेचर टू अर्बन एरियाज, है ना, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है ज्यादा, ये इतना कार्बन इंटेंसिव नहीं है, गर्मी लग रही है खिड़की खोलने को बोल रहा है, ठीक है, और धूप आती है अंदर आपका इंटरनल एरिया हीट हो रहा है, बाद में आईआर रिलीज हो रही है, तो वी हैव, हाँ मतलब अंदर आने मत दो, बेसिकली आपको पता ना कि वार्मिंग काम कैसे करती है, आपका जब कमरा गर्म होता क्यों है एक्चुअल में, यूवी लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड योर स्टफ रेडिएट्स आईआर, तो आपको गर्मी लगनी शुरू होती है, राइट, तो थिंग्स गेट वार्म एंड दे रिफ्लेक्ट योर आईआर, राइट, ये क्वेश्चन आया हुआ है उसके अंदर, यूपीएससी के अंदर एग्जैक्ट सेम दिस थिंग, है ना, कि यूवीबी लाइट एब्जॉर्ब होती है एंड आईआर रिलीज होती है, ये आईआर मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण आईआर है, जो कि अर्थ बाद में रेडिएट करती है आफ्टर एब्जॉर्बिंग, ठीक है, री रेडिएशन के कारण होती है हीटिंग, तो आप उसको रोक दो, शेड का मतलब वही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स, इंडिया ने बीई ये स्टार रेटिंग सिस्टम और ये सब किया है, तभी आप, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना बच्चे, अभी हमने जब लिखा था ये कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विल ट्रिपल ग्लोबली, है ना, जिस, और मैंने आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डबल हो जाएगी, इक्विपमेंट ट्रिपल हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डबल हो रही है, दैट मींस क्या मतलब है उसका, कि आपकी कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग एफिशिएंट होने वाली है, उसको मेजर किया हुआ है ना, अब जो एसी बिजली खाते हैं वो उतनी नहीं खाते इतनी पहले यूज करते थे, और टेक्नोलॉजीज आ गई, इन्वर्टर एसीज, है ना, जो कि आपके कंप्रेसर स्पीड को अल्टर करते रहते हैं, पहले एक ही स्पीड पे चलता था, जैसे आपके वो नहीं है यार, गन्ने वाली मशीन नहीं देखी आपने, वो एक ही स्पीड पे चलती रहती है, उसी से बेल्ट कनेक्ट करके नीचे लगा देते हैं, उसकी एक ही, उसको उसका आरपीएम ज़्यादा अल्टर नहीं करता, आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी उससे, कितनी पावर लेनी है अपनी ड्राइव ट्रेन के अंदर, आप अल्टर करते रहते हो बेल्ट की, उससे कितना आपने बेल्ट को खींचा है, कितना कनेक्ट किया है, नहीं किया है, लेकिन उसका जनरेटर एक ही स्पीड ठक ठक, वो एक ही स्पीड पर चल रहा है, है ना, तो पहले वाले एसी ऐसे चलते थे,
अब क्या है, जो अब वाले एसी हैं दे आर मोर लाइक कार के आरपीएम्स, कि अगर आपको ज्यादा स्पीड चाहिए आपको ज्यादा तेज चलेगा आपका कंप्रेसर, कम चाहिए कम स्पीड पे आपका कंप्रेसर चलेगा, वाइल मेंटेनिंग जैसे जब आपकी गाड़ी पिकअप ले रही होती है राइट, तो आपका आरपीएम ज्यादा लगता है, बट वंस यू हैव रीच्ड स्पीड ऑफ 60 उसके बाद आपको इतने आरपीएम की जरूरत नहीं है, हाई गियर में आप लोग कम आरपीएम के ऊपर गाड़ी चलती रहती है, सेम इज द केस विद वो, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है उसमें, कहने का मतलब तो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ हायर एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। थर्ड इज फेज डाउन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, दिस रेफर्स टू द ऑल्टरनेट यूज ऑफ सब्सटेंसेज टू कूल डिवाइसेज सच एज हाइड्रोकार्बन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड ऑफ HFCs। अमोनिया एक बहुत अच्छा एक रेफ्रिजरेंट होता है, मतलब इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते होते थे वो, लाइक इमीजिएटली इट यूज टू कूल टू -15 degrees Celsius, कि आपने मशीन अभी ऑन करी, यू हैव वेटेड फॉर 10 minutes, रेफ्रिजरेशन एक लैब होती थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो इमीजिएटली वी यूज टू सी कि यार यहाँ पे और यहाँ पे टेम्परेचर में ना वो मतलब 42 degrees Celsius से -15 पहुँच गया, बट अमोनिया को हैंडल करना मुश्किल है, इट्स अ पॉइजनस गैस और उसकी स्मेल बड़ी ख़राब है, तो अगर गलती से आपके घर में लीक हो गया, जो कि कहते हैं कंप्रेसर की गैस निकल गई, तो अगर वो गैस निकल गई अमोनिया, इट इज़ अ टफ थिंग टू क्रैक, फिर आपका घर बहुत दिनों तक स्मेल करता रहेगा और आपको छोड़ना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, बाहर रहना पड़ेगा, तो दो सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इसमें, इस वाले सोल्यूशन में जो ये बोल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को पहले मास्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बच्चे नेक्स्ट पेज पे आई है, पेज नंबर 8 पे, सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए इसमें आप, मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, जैसे अभी तो ऑप्शन है ना आपके पास 1-star रेटेड प्रोडक्ट बाय करने का, कि बहुत इनएफिशिएंट है लेकिन आप खरीद सकते हो, सरकारी घर में अगर लगाना है जहां पे बिजली का बिल नहीं आना, तो क्यों आप 50,000 का 60,000 का एसी लगाओगे जब सेम चीज आपको 20 में मिल रही है राइट। तो वो बोल रहे हैं मिनिमम स्टैंडर्ड ही सेट कर दो कि 1-star वाला बिकेगा ही नहीं, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम ICAP के ऊपर एक नोट डाल लेते हैं, चाहे वो इसमें लिख लो चाहे पिछले वाले में लिख लो, इसके ऊपर आएगा सवाल। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये हिमाचल वाले हरियाणा वाले और पंजाब वाले PCS जिन्होंने देना है वो लोग ये टारगेट्स को याद कर लें। ICAP इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, लॉन्च्ड इन 2019 बाय मिनिस्ट्री ऑफ, किसने किया होगा, एक ऑप्शन है एनवायरमेंट और एक वो हैवी इंडस्ट्रीज वाली मिनिस्ट्री, वो भी कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी भी कर सकती है, कौन कौन से ऑप्शन है समझ रहे हैं मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ आपसे, कि इसके ऑप्शंस अगर आपको नहीं याद होंगे तो बहुत सारे हैं, है ना, लिख लो, शी इज़ राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC, जिनको एब्रीवेशन याद रहती है फटाफट लिख लो। प्रोवाइड्स अ, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स अ 20-year प्रस्पेक्टिव एंड आउटलाइंस एक्शंस, टारगेट्स लिख लेते हैं बच्चे। नंबर 1, रिड्यूस कूलिंग डिमांड across sectors by 20-25% 20-25% by 20-25%
बाय 2037-38, ये ट्रेड ट्रेड है, ये आपने और किसी टारगेट में सुना नहीं होगा, 2037-38 हमारे और किसी टारगेट में नहीं आता, तो ये यूनिक है. रिड्यूसिंग कूलिंग डिमांड अक्रॉस सेक्टर्स बाय 20-25% बाय 2037-38, ठीक है जी. नेक्स्ट इज रिड्यूस रेफ्रिजरेंट डिमांड, बाय 25-30%, बाय 2037-38. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ये थोड़ा सा पेन लेके आपको याद करना पड़ेगा बच्चे सारा, एंड आप योर ब्रेन इज कैपेबल, उस पर डाउट मत करना कि कैसे याद रहेगा, करोगे हो जाएगा. कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाय 25-40% बाय 2037-38. ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ वन लाख टेक्नीशियंस अंडर स्किल इंडिया मिशन. इसकी डेडलाइन निकल चुकी है वैसे, पर ये टारगेट था उसका, अंडर स्किल इंडिया मिशन. ठीक है बच्चे, फ्लो समझ में आ रहा है पूरे दोनों करंट अफेयर्स का? ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं आपको पहले ही बोला था, खिचड़ी टाइप है ये. हमने कूलिंग सेक्टर को समझा है, ठीक है, कि कूलिंग सेक्टर क्या चीज है. उसके बाद में हमने अल्टरनेट सॉल्यूशन जो यूएनईपी ने प्रपोज किए हैं उनको देखा है, प्लस हमने फिर ये देखा है कि इंडिया का अपना एक्शन प्लान क्या बोलता है, इंडिया के अपने एक्शन प्लान क्या टारगेट कर रहे हैं. इफ यू सी इसके अंदर, तो कूलिंग डिमांड रिड्यूस करने का तरीका वही है जो आपके यूएनईपी ने बोले, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस है ना, थोड़ी सी डिमांड डिक्रीज करो. नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट डिमांड, वो बाय द वे इंडिया फेज आउट ऑलरेडी कर चुका है. ये है क्या इसमें आज वाले में? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक भी सेम ही है, टॉपिक नंबर 8 निकालो जरा. ठीक है जी, यहाँ पे मिनिस्ट्री की एक नोटिफिकेशन आई है दैट इंडिया हैज सरपास्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स, इसलिए आपके लिए टारगेट्स पता होना जरूरी है. इंडिया हैज सक्सेसफुली फेज्ड आउट द ओजोन डिप्लीटिंग HCFC 141B. ये आपको हिमाचल और बाकी लोग जो दे रहे हैं पेपर स्टेट्स वाले, उनके लिए इंपॉर्टेंट है. वो चार ऑप्शन दे देंगे आपको, पूछ लेंगे कि इंडिया ने कौन सा फेज आउट कर दिया है ना, दैट इज HCFC 141B, और इसका नाम भी याद कर लेना एज इट इज, 1,1-dichloro-1-fluoroethane HCFC है ना, और HCFC की फुल फॉर्म इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, HCFC स्टैंड्स फॉर दैट. तो इंडिया ने इसको सरपास कर दिया इसको, ठीक है जी. तो जो आपका टारगेट हम बात कर रहे थे अभी, रेफ्रिजरेंट डिमांड को कम करना है, तो इंडिया ने सप्लाई तो कर दी है, ठीक है जी. आइए बच्चे, 6 टॉपिक पे आ जाओ वापिस. तो 3 टॉपिक्स इंटरलिंक थे इसके अंदर, है ना. आज हमारी काफी कूल होगी क्लास इस चक्कर में.
आओ बच्चे, COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ये मैंने एज इट इज आपको डिक्लेरेशन लाके दे दिया यहां पे, जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है। इट वॉज साइंड बाय 123 कंट्रीज विच इज अ ह्यूज नंबर, मतलब इंडिया नोटेबल एब्सेंस, नीचे देखिए इसको अलग से लिख के दे दिया आपको, नोटेबल एब्सेंसिस, इंडिया एक नोटेबल एब्सेंट कंट्री है इसके अंदर, है ना। इंडिया जनरली इस टाइप के चीज में प्रपोज करने वाली पार्टी में ही होता है मोस्टली, कि आ जाओ करते हैं, दैट वन फ्रेंड। आइए बच्चे आगे देखते हैं। बच्चे इसमें ना जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, आज का टेक अवे आपका इस टॉपिक से ये होना चाहिए, इस टॉपिक से नहीं, बाय द वे COP28 का टेक अवे आपका ये होना चाहिए, इज दैट वन हेल्थ अप्रोच, कंट्रीज आर एनकरेज टू इंप्लीमेंट वन हेल्थ अप्रोच दैट कंसीडर्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। समझ में आ रहा है? इससे आपको लगता नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मतलब अगर आप एनवायरनमेंट का आंसर, सुनो इस बात को ध्यान से, अगर आप लोग एनवायरनमेंट का आंसर इस अप्रोच से लिखते हो, कोई भी सोल्यूशन इस अप्रोच से लिखते हो, वो सही ही होगा। आपकी सारी ट्रेडिशनल नॉलेज जिसकी हम अभी सुबह से बात कर रहे हैं, जब से हम आए तब से बात कर रहे हैं, क्यों ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्प करती है, क्यों कल्चर प्रिजर्व करना है ना, उसमें ये इनग्रेंड है ये चीज़, वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है। आप कोई भी, आपका कोई भी गुरु उठा के देखोगे आपको यही बोलता हुआ दिखेगा, एनी वन दैट यू नो, मतलब नो तो नहीं, एनी वन दैट यू फॉलो या जो भी है, एनी वन, उन्होंने ये वन हेल्थ अप्रोच के बारे में बात की हुई है कि आप और एनवायरनमेंट अलग अलग नहीं हो, आप सब पार्ट हो, अगर एनवायरनमेंट बचा रहे हो आपकी हेल्थ सुधर रही है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो COP28 ने, इस डिक्लेरेशन ने इसको फिर से रीट्रेट किया है, राइट। तो अपने आंसर्स में इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना, राइट। आयो बच्चे आगे देखते हैं, ये काम करो, इसको ना अपने आप पढ़ लेना डिक्लेरेशन को, ये कुछ ज्यादा किसमें कुछ है नहीं है, अप्रोचेस ही है, ये मेन स्पेसिफिक ज्यादा है, प्री में नहीं आएगा, प्री वाला हमने अलग से कर लिया है। यहीं पे आप साइड पे हेडिंग डाल लो, व्हाई इंडिया रिफ्यूज्ड, क्या लगता है क्यों किया होगा, आप आराम से डिड्यूस कर सकते हो। हाँ जी क्यों किया होगा इसको रिफ्यूज? हाँ, एक तो डेवलपिंग नेशन है, दैट मींस कि हम लोग डेवलपमेंट को और कूलिंग की ट्रांजिशन को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं इनका पॉइंट, लिख लो इसको, नंबर वन यही बोलना चाह रहे थे ना, हाँ ठीक है, बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड ट्रांजिशन इज डिफिकल्ट, इज यूनिक, लिखो थोड़ा सा होश में आओ और इस पे दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कुछ कुछ मिलने वाला है इसमें आपको, उठो जागो, ये मंजिल नहीं है, चलो मेरे साथ, रुको मत यहां पे। कूलिंग नीड्स कम करने की बात हो रही है और कौन कर रहा है? पूरा वर्ल्ड कर रहा है। किस किस ने साइन कर दिया? यूरोपियन कंट्रीज ने साइन कर दिया जी, यूएस ने साइन कर दिया। ज्योग्राफिकली इंडिया एक ऐसी लोकेशन पे है जो कि नेचुरली इतना ठंडा नहीं है, हमारे को प्रिजर्व करने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए, हमारी मेडिसिन जो है वो हमको रेफ्रिजरेटर में ही रखनी पड़ेंगी, हमारे को हमारे घरों में फ्रिज चाहिए, अननेसेसरी अंटिल हम लोकल प्रोड्यूस खाना शुरू कर दें, ट्रेडिशनल में चले जाएं,
पर हमें रेफ्रिजरेशन चाहिए, राइट? लगता नहीं आपको कि ये फैक्टर है? क्या बोलेंगे इसको, क्या किस टाइप का कंसर्न हुआ ये? इट्स अ प्रैक्टिकल कंसर्न कि हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कूलिंग डिमांड को कम करना, बिकॉज हमारी कंट्री ऐसी जगह पे है कि हमें चाहिए कूलिंग, राइट? हम चंद्रताल तो नहीं रह रहे, सारा साल बर्फ है उधर। गेटिंग? लिखिए प्रैक्टिकल कंसर्न्स, समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट? आप इन बातों को पकड़ा करो कि एग्रीमेंट बोल क्या रहा है करने को, किनको बोल रहा है क्या चीज करने को। यूरोप में खोल सकते हो आप खिड़की और घर ठंडा हो जाएगा, यहां नहीं खोल सकते हो आप। अभी अभी लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है आई थिंक, जब हीट वेव आई थी कनाडा के अंदर, द होल वर्ल्ड मीडिया वाज लाइक कि अरे टेम्परेचर सोर हो गए वहां पे, ये हो गया, 35 डिग्री था हाईएस्ट, है ना? तो आप समझ रहे हो कि वहां पे कूलिंग नीड्स कम करना इट्स पॉसिबल। मतलब आई किड यू नॉट, मैंने जब 45, 46, 48 डिग्री टेम्परेचर होता है, मैंने बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा है बाहर उतनी गर्मी में, धूप में, है ना? तो ज्योग्राफिकल फर्क है इसके अंदर। प्रैक्टिकल कंसर्न्स लिख लो आप इसके अंदर, क्या कैसे लिखोगे इसको? इट इज इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू दी इनएविटेबल नीड फॉर कोल्ड स्टोरेजेस, फॉर वैक्सीन्स, मेडिसिन्स, फूड, वैसे तो ये तीन ही है पर एटसेट्रा भी डाल दो साथ में। नेक्स्ट इज मॉरल हाई ग्राउंड, ये मॉरलिटी से याद आया, 21 तारीख तक पहले 5 डॉक्यूमेंट करने, ठीक है? मॉरल हाई ग्राउंड पंजाबी में कहे तो लत उच्ची होना, दैट इज द मॉरल हाई ग्राउंड। यहां पे इंडिया हिस्टोरिकली कॉन्ट्रीब्यूटेड लेस देन 4% of global emissions. India historically contributed less than 4% of global emissions. Is it a moral high ground? Soch ke dekhna. Ye waisi wali, haan ji? Haan. यस, बट हम इसको मॉरल हाई ग्राउंड लिख सकते हैं उसमें। ये पता है कैसी वाली बात है ये, जब आपकी फाइट हो रही होती है ना किसी से, तो आप कुछ भी बोल देते हो जो कि लॉजिकली ट्रू होता है, पर आपको पता है कि मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली तो झूठी है। ये वैसी वाली बात है जैसे लड़ाई आप पेरेंट्स से करते हो, एग्जैक्टली, विदाउट मॉरल प्लेटफॉर्म, जीरो। वैसे वाली है, मैं फिर ब्रेकअप वाला एग्जाम्पल दूंगा, फिर तुम्हें पिछली क्लास याद आएगी कि पिछली क्लास में 2 दे दिए थे, इसकी लाइफ में तो नहीं चल रहा कुछ। तो इसलिए ये घर वाली लड़ाई ठीक है, ये कॉमन है सबके लिए, है ना? और कोई पॉइंट बनता है? बात तो सही है। लिख लो, lack of affordable alternatives. I like the term affordable use किया है, nice, good. यही आधा नंबर फालतू दे जाते हैं, और ऐसे ही आधा आधा करके अगर आपने 20 नंबर फालतू ले लिए, 40 क्वेश्चन में आधा नंबर फालतू ले लिया, तो मतलब इट्स द डिफरेंस बिटवीन कि आप लिस्ट में हो या नहीं,
राइट और अगर आप लिस्ट में हो तो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन कि आप पौंडेचेरी में बैठे हो डेनिप्स वगैरह पोस्ट सर्विसेज लेके या फिर आप आईपीएस आईएएस हो राइट तो इम्पॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीज़ें क्या लिखा है हमने लैक ऑफ अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स एंड declarations demand for transitioning in a short time दोनों कंबाइन कर देते हैं कि अभी है भी नहीं हमारे पास अफोर्डेबल और दूसरा उन्होंने टाइम फ्रेम भी दे रखा है कि जल्दी जल्दी करो करो और जल्दी जल्दी करो तो इंडिया बोल रहा है कि हाँ बच्चे आप ना जरा साइड एक सेल्फ रीड करके एक बॉक्स बना लो जो आपने खुद से करना है डिटेल में पढ़ना उसको किगाली सबमिट KIGALI इस पे सवाल आपको आने वाले 3-4 एग्जाम्स में से किसी एक में देखने को मिलेगा किगाली सबमिट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल Excuse me. Rio Summit, Paris Agreement, Paris Agreement 2015 वाली क्योटो प्रोटोकॉल लिख लिया क्या एंड UNFCCC UNFCCC जनरली मतलब पूरा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट के इस साल के और इसके अंदर के टारगेट्स देख लेना कौन कौन सा लीगली बाइंडिंग है एनेक्शर वन कंट्री एनेक्शर टू कंट्री है ना और नॉन एनेक्शर कंट्रीज ये सब सब कुछ देख लेना मैकेनिज्म्स देख लेना और मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो नहीं है कार्बन ट्रेडिंग और ये सब जिसके अंदर मैकेनिज्म्स हैं कौन सी कंट्री किसके अंदर कर सकती है एनेक्शर वन वाली टू में कर सकती है कि नहीं वन वाली नॉन एनेक्स में करेगी या नॉन एनेक्स वाली क्या सब कुछ डिटेल में देख लेना मतलब अगर अभी नहीं भी देखना हुआ तो एटलीस्ट जब आप इन्वायरमेंट रिवाइज कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे दीज आर दी थिंग्स जिनको स्पेशल फोकस में रखना है और घबराना नहीं है ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये हाँ ये मतलब ओवरऑल ये सारा काम आधे घंटे का है ये सारा एवरीथिंग और आधे घंटे के काम से याद आया 21 तारीख को वो कौन सी मूवी थी यार जिसके अंदर वो ऐसी डेट्स दिमाग में डाल देते हैं कि 2 और 3 अक्टूबर को हम स्वामी चिन्मयन हाँ तो वैसे ही मैं तुम्हें बार बार याद करा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए कि 21 दिसंबर को कुछ होने वाला है देर इज समथिंग हैपनिंग 21 को पता नहीं क्या ही हो जाएगा चलिए बच्चे आगे आ जाओ बच्चे एक ना स्पेशल नोट डाल के और चीज लिख लो उसमें रीड अबाउट मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट एंड किगाली अमेंडमेंट दो अलग चीज मतलब प्रोटोकॉल तो पढ़ोगे ही उसकी अमेंडमेंट भी पढ़ना और एक काम करना ये ना डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टाइम लेके आना साथ में आई विल गिव यू फ्यू एनेक्सेस मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट प्रोटोकॉल के ना कुछ एनेक्सीज हैं कि जैसे उसके एनेक्स वन के अंदर सीएफसी आता है सीएफसी हेलन्स राइट हेलोजन वाले
एनएक्ससी के अंदर एचसीएफसी आता है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ। बच्चे अगेन ये न्यूज़ में आया था, और क्योंकि ये अर्बन एरिया के बिल्कुल बीचों बीच में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये। आइए बच्चे, आपने बस रेंज देख लेनी कि किधर है, लोकेशन वगैरह देखनी है, फ्लोरा फौना देख रहा है, बस इसके ऊपर नहीं जाना क्यों न्यूज़ में आया, क्या कारण है, क्या होने वाला है, नथिंग। कुछ कोर्ट रिलेटेड हुआ था यहाँ पे। सदर्न दिल्ली रिज ऑफ द अरावली हिल रेंज ऑफ द दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, सदर्न दिल्ली एंड सदर्न नदर्न पार्ट्स ऑफ फरीदाबाद गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, है ना, वहाँ पे ये लाई करता है। पार्ट ऑफ सरिस्का दिल्ली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर विच रन्स फ्रॉम सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान टू दिल्ली रिज, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं थोड़ा फास्ट इससे ग्लाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत इसको, बिल्कुल ठंडे दिमाग, आप लोग ठंडे दिमाग से पढ़ो। फॉरेस्ट टाइप बच्चे देख लीजिए, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, इसको अंडरलाइन कर लो। वो आपको नेक्स्ट वाले से भी क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ये लोकेशन है, इट इज नोन फॉर ज़ेरोफिटिक प्लांट्स, सकुलेंट्स। ये देखिए नेक्स्ट, द नेटिव प्लांट्स एग्जिबिट ज़ेरोफिटिक अडेप्टेशन, ज़ेरोफिटिक मीन्स जहाँ पे लैक ऑफ वाटर होता है ना उसको जीरो, जो प्लांट्स विच ग्रो एट द प्लेस जहाँ पे देर इज अ लैक ऑफ वाटर, दे आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स एंड दे आर स्पेल्ड XERO, सेम एज द कार दैट वॉज नेम्ड ज़ाइलो, है ना, उसमें भी हम इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, तो दिस इज ज़ीरो। देर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइंड जो कि उन्होंने ये वाली गाड़ी खरीदी थी, एंड मेरे को समझ नहीं आया कि इसने कौन सी गाड़ी खरीदी, बिकॉज वो बहुत टाइम तक गजेलो बोल रहा था उसको, एंड लाइक आफ्टर 10-15 डेज मैंने वो गाड़ी देखी, सेम एज द केस विद की उन्होंने गाड़ी निकाली थी ना ह्यूंडई ने, एसेंट बोलते थे जिसको, हाँ इट इज एक्चुअली नेम एक्सेंट, ACENT एक्सेंट बनता है, तो लोगों ने एसेंट बोलना शुरू किया, तो कंपनी को चेंज करना पड़ा, दे नेम्ड XCENT कि ये वाले अब नए नाम सही से लोगे, तो हैंड्स ज़ेरोफिटिक प्लांट्स, ज़ेरोफिटिक अडेप्टेशन सच एज, बाकी आप देख लेना बच्चे। बाय द वे ये सवाल 2018 में आया हुआ है कि ज़ेरोफिटिक कंडीशंस के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होती है, है ना, तीन ऑप्शंस थे उसके अंदर कि लीव्स छोटी हो जाती हैं, वैक्सी कोटिंग हो जाती है, ये सब है ना, तो वो भी चीज़ आपकी इससे क्लियर होगी थोड़ी सी। UPSC के इन्वायरमेंट के आधे सवाल तो आँख खोलने से सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको बस आँख खोल के देखना होता है। जैसे उन्होंने पूछा कि ये पर्टिकुलर बर्ड है कि ये ना भैंसों की पीठ पे होती है, है ना, बर्ड का नाम भूल रहा हूँ मैं, और उसमें से एक ऑप्शन उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, और एक उसमें स्टेटमेंट थी कि ये रूरल एरिया में ही होती है ये वाली बर्ड, राइट, बट मैंने देखी थी, मैं तो गया नहीं रूरल एरिया में, राइट, तो इस तरीके से आंसर सॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे, कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की देर होती है, इतना ज़्यादा टेक्निक वो डराने के लिए ज़्यादा होते हैं, राइट। बच्चे यहाँ पे ना वो लिख लो आप साइड पे, फैक्ट्स अबाउट अरावली हिल्स, दो चार एक्स्ट्रा। अगर मुझे हाईएस्ट पीक बता दोगे गुरु शिखर, मैं तो थोड़ा सा छुट्टी कर दूंगा अगर कोई अरे यार आपके 5 मिनट लेट होएगी छुट्टी, मेरी गलती से, सॉरी। आई वॉज सपोज टू आस्क द क्वेश्चन कि अगर आप मुझे बता दोगे कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये आखिरी टॉपिक होगा क्लास का। आई आस्क द क्वेश्चन इंस्टेड कि अगर आप बता दोगे कि हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, तो आखिरी लिख लो बच्चे। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, गुजरात तक जाते हैं, ये हमने पहले भी करा हुआ है टॉपिक, मैं वो लिखवा रहा हूँ जो हमने नहीं लिखा हुआ पहले, अभी आप रिवाइज करने वाली स्ट्रिंग पे आओगे ना 21 दिसंबर तक,
पहले 5 हमने रिवाइज करने हैं, तो आपको वो दिख जाएगा अरावली के ऊपर शॉर्ट नोट। 3 मेजर रिवर्स ओरिजिनेट LSB, लूनी, साहिबी, बानस या BLS या जो भी, लूनी LUNI, साहिबी SAHIBI, बानस, और ये सारी रिवर्स रन ऑफ कच्छ की तरफ फ्लो करती हैं। टू मेन रेंजेस, मतलब अरावली 2 रेंजेस में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 2 मेन रेंजेस, ये पता ना कैसे लिखेंगे इसको, 2 ऐसे डिवाइड करके लिख लेना, सांभर सिरोही रेंज SAMBHAR, SIROHI, सांभर सिरोही, ये एक रेंज है। सेकेंड इज सांभर खेत्री, ये थोड़ा प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, द हिडन लिंब ऑफ अरावली, द हिडन लिंब LIMB, द हिडन लिंब ऑफ अरावली, ब्रैकेट में लिख लो दिल्ली टू हरिद्वार, क्रिएट्स अ ड्रेनेज डिवाइड, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिएट्स अ ड्रेनेज डिवाइड बिटवीन गंगा एंड इंडस, ब्रेक चाहिए होगी तुम्हें 10 मिनट की, तो है ना अगली क्लास से पहले चाहिए, चलो ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ले आना फिर अगली बार याद से, और क्या करना है अगली बार से पहले, हाँ डॉक्यूमेंट 1-5 हाँ बच्चे, ऑनलाइन जो भी मेरे को आंसर्स भेजते हैं ना, प्लीज मेक श्योर कि आप ना इस फॉर्मेट में भेजो मेरे को, आपको सब्जेक्ट के अंदर अपना रोल नंबर और नाम, वहाँ पे क्वेश्चन वोशन और कुछ मत डाला करो, सब्जेक्ट में ही अपना नाम डाल देना वहाँ पे, योर रोल नंबर फॉलोड बाय योर नेम, ठीक है। इस फॉर्मेट में नहीं आता तो मैं चेक नहीं करूँगा उसको इस बार से, अभी तो मैंने खोल खोल के चेक कर लिए थे, ठीक है। आप कुछ मेरे को लग रहा है कि कुछ जेन्युइन लोग ये चीज़ मिस कर रहे हैं, ऐसे ही लिखना इसको अगर ऑनलाइन देख रहे हो आप, योर रोल नंबर फिर कॉलम और उसके बाद में आपका नाम, ठीक है। ऑलराइट, और इससे पहले वाले जितने आंसर्स थे ये आपके पास पहुंच चुके हैं, जो लास्ट टाइम आप लोगों ने नाम दिए थे मेरे को, कोमल, दीपांशु एंड तान्या, आई होप आपको आंसर्स मिल गए होंगे, राइट। और अगर लास्ट वाले का आंसर नहीं मिला, वो डेलिबरेट था, लास्ट वाला छोड़ा गया अभी क्योंकि मैंने जो देखे नहीं थे, अभी मेरे पास आएंगे वो वाले आंसर्स, उसके बाद में आपको मिल जाएंगे वो। जिनकी क्लास नहीं है अभी वो लोग अपने आंसर्स वगैरह मेरे से आके चेक करा लेना, अदर देन दैट आप रिसेप्शन से उठा लेना, ठीक है जी, बाद में, अभी मत जाना रिसेप्शन पे, अभी दिए नहीं है मैंने उनको, ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं, अगर सवाल आ गया इसमें से यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज over a major population of India who is preparing for the same examination right now.
लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरैक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो. इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.